राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आज और कल 8 घंटे की हड़ताल करेंगे, फिर भी अगर पेट्रोल डीलर्स की मांगे नहीं मानी जाती तो 15 सितंबर से राजस्थान में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। हड़ताल की वजह है राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट काफी ज्यादा है। बॉर्डर जिलों के लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। एसोसिएशन का तर्क है कि अगर वैट घटे तो राजस्थान में पेट्रोल लगभग 97 यानी 16 रुपए सस्ता और डीजल 90 रुपए यानी कि 11 रुपए सस्ते के आसपास पहुंच सकता है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि कोविड के दौरान सरकार ने 3 बार अलग अलग तरीके से कोविड के नाम पर 8% वैट बढ़ाया था, उसमें से 6.70% ही वापस हटाया है। कोविड के नाम पर लगा वैट पूरी तरह हटाया जाना चाहिए। जब कोविड के समय बॉर्डर सील हो गए थे तब राजस्थान में बिक्री काफी अच्छी हुई थी, तब सेल 5 गुना तक बढ़ गई थी। बॉर्डर सील होने की वजह से पेट्रोल राजस्थान में ही भराया जा रहा था, वहीं अब 5 गुना कम हो गई है। झुंझुनू पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित डेला बताते हैं कि हमारे यहाँ फ्यूल कंजप्शन बहुत हाई है, यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, माइंस वगैरह भी हैं, इसका सारा फ्यूल हरियाणा से लाया जा रहा है। हमारे व्हीकल्स हरियाणा से जाकर पेट्रोल डीजल लाते हैं, वो 500 रुपये का पेट्रोल भराकर हरियाणा मूव कर जाएगा, फिर वहाँ से पेट्रोल भराएगा, इससे क्राइम भी बढ़ रहा है। ऐसे कई पंप हैं जो बंद हो चुके हैं। यहाँ से स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे है, इंडस्ट्रियल स्टेट को लिंक करते हैं। यहाँ से गुजरने वाले हर ट्रक में डबल टैंक मिलेंगे तो पहले से वो लोग भरा कर आते हैं। वो हमारी सड़कें यूज़ करते हैं मगर रेवेन्यू पड़ोसी राज्य अर्जित कर रहा है। झुंझुनू में 10 से 15 पेट्रोल पंप अब बंद हो चुके हैं और आने वाले दिनों में 50 से ज़्यादा बंद होने के कगार पर भी हैं।